हेलो दोस्तों, कई बार हमारी मामूली सी गलतियों की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। हमें पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ से आई थी, दिक्कत कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, शिशु कमजोर पैदा हुआ, शिशु बीमारी के साथ पैदा हुआ। शिशु का ये हालत देखकर किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनका शिशु अपंग पैदा हो जाए या कोई बीमारी के साथ पैदा हो जाए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो आगे जाके शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं सोते समय गलतियां कर जाती हैं, सोने का तरीका उनका सही नहीं होता है, इस वजह से शिशु को दिक्कत आ जाती है। गर्भ में शिशु विकसित नहीं हो पाता, विकास सही से नहीं हो पाता है, अंगों का निर्माण सही से नहीं हो पाता है, और निर्माण हो भी जाए तो कुछ न कुछ समस्याएं हो जाती हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेग्नेंट महिला को सोते समय ये गलतियां नहीं करने चाहिए और आपको क्या ध्यान रखना है, ये एक जरूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप सुखद होंगी, खुश होंगी, पर हाँ, अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। आपको गलतियां नहीं करने हैं दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखने हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जरूरी जानकारी दे रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। आपको कैसे सोने हैं ताकि आपका नींद भी पूरा हो जाए और शिशु को भी कोई दिक्कत नहीं हो और प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आपके बच्चे के साथ नहीं आए, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने सोने जागने का रूटीन बनाना चाहिए और हमेशा रूटीन के मुताबिक ही सोना जागना चाहिए ताकि नींद में कोई दिक्कत नहीं हो। गर्भावस्था के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रात को सोते समय ज़्यादा पानी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात के समय ज़्यादा पानी का सेवन करती हैं तो आपको बार बार बाथरूम जाने के लिए जागना पड़ेगा और आपके नींद के लिए ये ठीक नहीं है। दोस्तों, रात में सोने से पहले मसालेदार खाना खाने से सीने में जलन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा खाना खा लेती हैं तो भी समस्याएँ होती हैं, तो रात को आपको लाइट खाना खाना है, थोड़ा कम तेल मसालेदार। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोते समय तकिए का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इससे आपको बैक पेन नहीं होगा और शिशु को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको अपने पैरों के बीच में भी एक आरामदायक तकिया लगाकर सोना चाहिए, इससे शिशु पर दबाव नहीं पड़ेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। गर्भावस्था में जो महिलाएं खाना खाने के बाद रात को थोड़ा देर वॉक करती हैं या 2 घंटे बाद सोने जाती हैं, उनका खाना आसानी से पचता है और नींद भी जल्दी आती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोने से पहले चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो नींद भगाने का काम करती है, आपके लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं कैसे सोना चाहिए, कैसे नहीं सोना चाहिए। पहले जानते हैं दोस्तों किस तरीके से आपको नहीं सोना। एक प्रेग्नेंट महिला को ऐसे सोने से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के 3रे महीने के बाद पेट के बल, पीठ के बल और सीधे हाथ की तरफ नहीं सोना चाहिए, इससे शिशु के पोषण पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण शिशु को परेशानी होती है, शिशु के अंगों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और शिशु बीमार हो जाता है गर्भ में, और जब जन्म लेता है तो भी वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। आप खुद सोचिए, एक आपका बच्चा गर्भ में है, आप उन तक सही तरीके से ना खाना पहुंचा रही हैं, ना पानी पहुंचा रही हैं, ना ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, उल्टा आप रात भर दबाव दे रही हैं, तो क्या होगा? आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, फील करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सोना है आपको? प्रेगनेंसी के दौरान उल्टे हाथ के तरफ सोना सही होता है। इस पोजिशन में सोने से गर्भवती महिला के यूट्रस और लीवर पर दबाव नहीं पड़ता है, जिससे शिशु को प्लेसेंटा के द्वारा सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। यह स्थिति शरीर में खून के परिसंचरण को भी सुधारती है, जिससे शिशु आपका
गर्भ में स्वस्थ रहता है, जन्म के बाद भी आपका शिशु स्वस्थ रहता है। पर बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि रात भर एक ही पोजीशन में कैसे सोया जाए। तो हाँ, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ऐसे नहीं सोना है जिससे शिशु आपका दब जाए, शिशु का विकास रुक जाए, शिशु के लिए समस्या हो जाए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं आशा करती हूँ आप भी अब अपना ध्यान रखेंगी, सोने के तरीके में बदलाव करेंगी ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं आए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी।